हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से, और जो चैप्टर हमने लिया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक हॉट लेवल का क्वेश्चन करते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया। वैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है जिसके रूट्स आपको कैसे दिए हुए हैं, इक्वल रूट्स दिए हुए हैं। अब इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है, बताता हूं क्या है। फिर आपको प्रूव करना है कि आइदर ए बराबर जीरो और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। है तो एक आसान क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, कंसेप्ट लगेगा। स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है, तो सबसे पहले मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को लिखना जरूरी है। चलिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने यहां पर ये जो एबीसी लिए हैं ये कैपिटल लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी छोटे एबीसी मौजूद हैं, तो जनरल फॉर्म लिखते समय सेम वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे और वेरिएबल चेंज कर लेंगे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट सी स्क्वायर माइनस ए भी है। तो अगर मैं कोफिशियंट कंपेयर करूं तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान रखिएगा ये वाला सी कैपिटल सी है और जो इक्वेशन में गिवन सी है वो स्मॉल सी है, ठीक है। अब एक्स का कोफिशियंट बी है और इधर एक्स का कोफिशियंट, याद रखिएगा यहां पर एक्स के साथ जो बी है वो पॉजिटिव है और यहां जो एक्स के साथ कोफिशियंट है वो नेगेटिव है, तो आपको बी लेते समय उस नेगेटिव साइन को भी लेना पड़ेगा। तो बी कितना आ गया, ये हो गया माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्मॉल सी। और ये वाले कैपिटल सी की वैल्यू जो कि है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब आपकी इक्वेशन में गिवन वो टर्म्स जिसमें एक्स मौजूद ही ना हो वो कैपिटल सी कहलाएगा। अब चेक करिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स किसके पास नहीं है, यहां बी स्क्वायर माइनस ए सी के पास, तो कैपिटल सी का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर माइनस छोटा ए सी। मैंने एक्चुअल में क्या किया, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले जनरल फॉर्म लिख दी और जनरल फॉर्म लिख के एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो ए है उसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स का कोफिशियंट जो बी है उसकी वैल्यू निकाल ली, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म मतलब जिसके साथ एक्स मौजूद ना हो जिसको हमने कैपिटल सी डिनोट किया है उसकी वैल्यू निकाल ली। बस अब क्वेश्चन एकदम आसान है, क्योंकि इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो आपको सारी कंडीशंस के बारे में बताता हूं और फिर हम अपनी पर्टिकुलर कंडीशन को यूज करेंगे। सबसे पहले वो चारों कंडीशन देखते हैं, फिर अपनी पर्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व करके दिखाएंगे। अब जो रूट्स हैं अगर वो होते आपके पास रियल एंड इक्वल, तो कंडीशन होता है कि डी का वैल्यू जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो, जिसको एक्चुअल में हम लिखते क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो लेकर सॉल्व करोगे। यही रूट्स आपके कैसे होते, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो डी जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो आप लेते ग्रेटर देन जीरो। अगर कंडीशन होती सिर्फ रियल, मतलब सिर्फ रियल लिख के दे रहा है और आगे कुछ लिख ही नहीं रहा, तो आप कहते डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और एक आखिरी कंडीशन और है नॉन रियल रूट्स की या फिर इमेजिनरी रूट्स की, जो पूछी तो बहुत कम ही जाती है, लेकिन अपने कोर्स में है ये कंडीशन। तो ये है नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स, और ये कंडीशन होती है डी जिसकी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, ठीक है। तो कुल मिला के ये चार कंडीशन है और हमसे कौन सी कंडीशन मांगी है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो ध्यान रखिएगा इक्वल वाली कंडीशन रियल और इक्वल वाली ही लगेगी और आपको यूज करना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। अब कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स मैंने आपको भी क्या बताई थी, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्लियर हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, बस इसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं और जो प्रूफ करना है वो 100% आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, माइनस का टू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस का फोर इंटू ए इंटू सी, ए का वैल्यू
सी स्क्वायर माइनस का ए बी और कैपिटल सी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये पूरा सॉल्व करके लाएंगे और गारंटीड है कि अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए माइनस टू का स्क्वायर फोर हो गया और ये ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का फोर, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो ये हो गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर से माइनस ए सी तो ये हो गया माइनस का ए सी क्यूब, फिर माइनस ए बी को बी स्क्वायर से तो ये हो गया माइनस का ए बी क्यूब, माइनस ए बी को माइनस ए सी से प्लस ए स्क्वायर और बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं और एक स्टेप और देखो, ये फोर कॉमन ले लेते हैं, फोर कॉमन लेके जीरो के उधर ले जाते हैं तो फोर तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से रखते हैं, खोलिए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए और बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, फोर ऑलरेडी कॉमन है और माइनस बाहर लगा हुआ है तो ब्रैकेट खोलते समय सारे साइन ब्रैकेट के अंदर के चेंज हो जाएंगे। तो चलिए हैंड टू हैंड चेंज भी कर लेते हैं, तो माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए सी क्यू प्लस का ए बी क्यू माइनस का ए स्क्वायर बी सी और इज इक्वल टू जीरो। अब अगले स्टेप पे ये फोर चला गया जीरो के नीचे, तो फोर तो अगले स्टेप पे मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हो तो बिल्कुल बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा ए की पावर फोर, ये है माइनस का टू ए स्क्वायर बी सी, ये है माइनस का ए स्क्वायर बी सी, ये हो गया माइनस का थ्री ए स्क्वायर और बी सी, और क्या बचा आपके पास, ए आपके पास बचा प्लस ए सी क्यू और एक आपके बचा और एक आपके पास बचा प्लस ए बी क्यू और इक्वल टू में जीरो एज इट इज। चेक करिए पूरी इक्वेशन में से ए कॉमन तो नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो ए कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा अंदर ए क्यू माइनस का थ्री ए बी सी प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू और इज इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान से देखो, दो टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लीकेशन में हैं और दोनों ही जीरो के बराबर हैं, तो लिखने का तरीका क्या होता है क्वाड्रेटिक में, आइदर या तो वो पहला टर्म जीरो के बराबर हो जाएगा और या तो वो दूसरा टर्म जीरो के बराबर हो जाएगा, यही लिखने का तरीका है। अब जरा ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू जीरो प्रूव हो गया, मुझे a इज इक्वल टू जीरो ही प्रूव करना था। अब जरा इस माइनस थ्री एबीसी को जीरो के उधर ले आइए तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। और चेक करिए दूसरा टर्म मुझे क्या प्रूव करना था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, ये लीजिए प्रूव हो गया। क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या था कि शुरू में आपको जो रूट्स इक्वल दिए हैं उसकी कंडीशन क्या है, टोटल चार कंडीशन थी, चारों मैंने आपको प्रॉपरली बता दी, बस वो कंडीशन याद रखिए, वैल्यू को प्रॉपरली इंसर्ट कीजिए, अलजेब्रा लगाइए और आपका आंसर 100% आ जाएगा। और इस चैप्टर से जुड़े हुए अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो उसका लिंक आपको लास्ट के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।